ऑगस्टा डील में अमित शाह ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है इसमें घोटाला हुआ है तो कहीं ना कहीं यूपीए सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। ऑगस्टा डील पर ईडी सक्रिय हो चुकी है। एसपी त्यागी से ईडी जल्द करेगा पूछताछ। महिलाओं की एंट्री के लिए हाजी अली पर हंगामा हुआ। कड़े विरोध के बीच फिलहाल लौटना पड़ा तृप्ति देसाई को। एमआईएम और समाजवादी पार्टी ने लगाए वापस जाओ के नारे। विजय माल्या पर सरकार ने कसा शिकंजा। भारत डिपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन को लिखी चिट्ठी। मेडिकल में दाखिले के लिए देश भर में अब एक ही परीक्षा। इसी सत्र से लागू होगा नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, दो फेज में होगी परीक्षा। पूरा हुआ देसी जीपीएस का सपना। श्री हरिकोटा से सातवें नेविगेशन सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग। पीएम मोदी ने दी बधाई। ओबामा और ओलंद के परमानेंट पड़ोसी बने प्रधानमंत्री मोदी। लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में आम लोग देख पाएंगे मोम के मोदी। एयरलाइन ने नौकरी से निकाला तो घूम गया दिमाग। रूस में एक कर्मचारी ने क्रेन से कर डाला प्लेन का कचूमर। धुर नक्सल प्रभावित नारायणपुर के अबूझमाड़ में सीएम रमन सिंह ने लगाई चौपाल। लोक सुराज अभियान के तहत सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ का असर। जेल में कैदियों में सकारात्मक परिवर्तन के लिए योग के साथ आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में कैदी पहुंच रहे हैं। तुर्की के पश्चिमी शहर बुर्सा में एक महिला आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। हमले में एक शख्स की मौत हो गई, 10 जख्मी बताए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में पुलिस ने दो विरोधी गैंग के 120 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर लूट, हत्या, ड्रग्स और अवैध हथियारों के मामले में केस दर्ज। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में आगे चल रहे रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति ओबामा की विदेश नीति को बर्बाद कर दिया है। चिली में लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों को पकड़ने का वीडियो जारी हुआ है। हालांकि जद्दोजहद के बाद पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला भीषण बिजली संकट से गुजर रहा है। बिजली संकट को देखते हुए वेनेजुएला सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सिर्फ 2 दिन काम करने पर आने को कहा। जर्मनी में एयरपोर्ट कर्मचारियों की हड़ताल से यात्रियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से 1000 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। अमेरिका के टेक्सास और मिसौरी में आए भीषण तूफान से कई घर नष्ट हो गए हैं। तूफान के बाद भारी बारिश ने बाढ़ की स्थिति बना दी है। न्यूयॉर्क के बफेलो जू में जन्मे एक अफ्रीकन शावक को जू प्रशासन ने मीडिया को दिखाया, जिसके बाद ये सुर्खियों में आ गया। बिल्डर्स की धोखाधड़ी और मनमानी से मिलेगी निजात। 1 मई से लागू होगा रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल। यूनिटेक को बड़ा झटका। कंपनी के एमडी अजय चंद्रा और संजय चंद्रा को 3 साल की जेल। मौजूदा सत्र में बैंक्रप्सी बिल के पास होने का रास्ता साफ। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश। बिल में कुल 234 संशोधन। कांग्रेस करेगी बिल का समर्थन। कमजोर ग्लोबल संकेतों और एक्सपायरी के दबाव से बाजार में तेज गिरावट। सेंसेक्स 461 और निफ्टी 133 पॉइंट गिरकर बंद। शानदार रहे फेसबुक के तिमाही नतीजे। जनवरी मार्च तिमाही में मुनाफा 3 गुना बढ़ा। तीरंदाज दीपिका कुमारी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर दी है। चीन के शंघाई में चल रहे तीरंदाजी वर्ल्ड कप के रिकव इवेंट में दीपिका ने 720 में से 686 पॉइंट हासिल किए। हाल ही में अपने पति अरबाज खान से अलग हुई मलाइका अरोड़ा खान एक रियलिटी शो के लॉन्चिंग पर पहुंची। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवालों को नजरअंदाज कर दिया। अक्षय कुमार ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो हैदराबाद के नए आईपीएस ऑफिसर के साथ किक बॉक्सिंग करते नजर आए। प्रियंका चोपड़ा ने न्यूयॉर्क में हुई टाइम 100 पार्टी में शिरकत की। दुनिया के सबसे पावरफुल 100 लोगों की लिस्ट में शामिल होकर प्रियंका की खुशी सातवें आसमान पर है।
बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे के ब्रेकअप ने भले ही उनके फैंस को हैरान कर दिया है, लेकिन अंकिता के मुताबिक अब वो आगे निकल चुके हैं। एक्टर टाइगर श्रॉफ का कहना है कि वो एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहेंगे जो गांव से बिलोंग करती है। खबरों की माने तो एक्ट्रेस प्रीति जिंटा अब जल्द ही मुंबई में रिसेप्शन पार्टी देने वाली हैं। प्रीति ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से 29 फरवरी 2016 को शादी की थी।